हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरी आज की वीडियो जो है वो है इस प्रोडक्ट के ऊपर, जो कि है नायका कॉन्टोर एंड कॉन्कर कॉन्टोर एंड हाईलाइट डियो। नाउ दिस इज वेरी वेरी सून गोइंग टू बी लॉन्च्ड ऑन नायका वेबसाइट एंड इट रिसेंटली कम्स ओनली इन वन वेरियंट एंड आई हैव इट विद मी। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी और डाउट्स रिगार्डिंग दिस प्रोडक्ट, सो दिस वीडियो इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड till the end to know each and every detail about this product. So now without blabbering anymore, let's just get started with the video. इस वीडियो में मैं जो है आप लोग के साथ जो है कंपैरिजन भी करूंगी एक उनका प्रीवियसली लॉन्च प्रोडक्ट के साथ, जो कि है उनका नायका ग्लो गेटर हाईलाइटर ड्यूओ। एंड इट लुक्स वेरी वेरी सिमिलर टू दिस प्रोडक्ट एंड आई विल शो इट टू यू इन अ वाइल। सो इसकी पैकेजिंग तो आप लोगों को मैं दिखाई दूँ। इसकी पैकेजिंग जो है वो इस तरह की है, जैसे नॉर्मल ट्रेडिशनल पिंक एंड रेड पैकेजिंग होती है। एंड इस पर जो है बस कुछ चीज़ें मेंशन है, तीन चीज़ें मेंशन है कि इट गिव्स यू लॉन्ग लास्टिंग परफेक्शन, ईजी टू यूज, टू स्टेप कॉन्टोरिंग ड्यूओ, स्मूथ वेलवेटी फॉर्मुलेशन। तो यही तीन चीज़ें जो है इस पर स्पेसिफाइड है। सबको पता ही है नायका के सारे ही प्रोडक्ट्स जो हैं वो 100% क्रुएल्टी फ्री होते हैं, प्रिजर्वेटिव फ्री होते हैं, पैराबिन फ्री होते हैं, ऑल दोज गुड स्टफ। तो ये जो है इस तरह की आपको एक मिलता है पीस, जिसमें आपका जो प्रोडक्ट है वो कवर्ड होता है। उसके अलावा आपको जो है इस तरह का मिलेगा नायका का एक कार्ड, जो कि लिखा हुआ है इट्स नायका योर अल्टीमेट गाइड टू अ फ्लॉलेस स्कल्प्टेड फेस, जो कि इस तरह के है। यहाँ पर जो है एक फेस बना हुआ है, प्लस इस पे जो है कॉन्टोर और हाईलाइट दोनों जहाँ जहाँ पे आप कर सकते हो अपने फेस पे, और साथ ही साथ यहाँ पर इमेज के थ्रू भी एक्सप्लेन किया हुआ है। सो वी विल बी यूजिंग दिस कार्ड वाइल अप्लाइंग। तो इसके अलावा जो है हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट वो है ये। नाउ दिस इज एग्जैक्टली लाइक जो ट्रेडिशनल पैकेजिंग होती है नायका के प्रोडक्ट्स की। इसके पीछे भी जो है जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वही सब मेंशन है। इस पर लिखा है नायका कॉन्टोर एंड कॉन्कर एंड द शेड, अभी जो है इनका वेरियंट सिर्फ और सिर्फ एक ही आता है, वो है सिजल चिजल 01। एंड आई होप फ्यूचर में वो और भी लॉन्च करेंगे शेड्स, अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो ऑफकोर्स। सो वन मोर थिंग, ये जो है प्रोडक्ट फॉर्मुलेटेड है इन इटली एंड इसमें जो है आपको मैंने प्राइस बता ही दिया है, 699 रुपीज़ का आपको जो है प्रोडक्ट मिलता है एंड द क्वांटिटी यू गेट इज 9 grams। सो दीज वर द लिटिल स्पेसिफिकेशंस विच वर वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम जो है इसको ओपन करते हैं। ओके, आप जैसे ही इसको ओपन करते हो आपको इस तरह की एज यूजल प्लास्टिक की फिल्म मिलती है। नाउ इसकी स्मेल जो है बहुत ही सटल है, बिल्कुल भी ओवरपावरिंग नहीं है, आपको नोटिसेबल भी नहीं होगी, बट एक अच्छे प्रोडक्ट में जैसी स्मेल होनी चाहिए बिल्कुल वैसी है। एंड दिस इज द प्रोडक्ट। ओके, मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को विजिबल नहीं है कैमरा पे, ये शेड जो है दिस इज फॉर कॉन्टोरिंग, जो कि परफेक्टली मैट है, इसमें बिल्कुल भी ग्लिटर पार्टिकल्स या शाइनी चीज कुछ भी नहीं है, दिस इज प्रॉपर मैट पाउडर। एंड दिस साइड जो है ये हाईलाइटर शेड है। अगर मैं आपको अब दिखाऊं, ये जो है अभी रिसेंटली लॉन्च जो उनका लेटेस्ट लॉन्च है हाईलाइटर्स में नायका का, जो कि शेड है मूनशाइन 03, इट लुक्स वेरी वेरी सिमिलर टू दिस वन। ये हमारा जो है कॉन्टोर एंड कॉन्कर पैलेट है एंड दिस वन इज देयर लेटेस्ट लॉन्च इन देयर हाईलाइटर्स। ओके, आप जब से टच करोगे इट्स वेरी वेरी सॉफ्ट, बट ये जो है क्रीमी नहीं है, ये पाउडरी है, बट एग्जैक्ट पाउडरी जो रफ पाउडर जैसा होता है वैसा फिनिश नहीं है, काफी स्मूथ है। सो लेट मी जस्ट वॉच। ओके, आई डोंट थिंक यू कैन सी, बट इट्स डेफिनेटली शाइनी, यू कैन सी दिस साइड, ये बहुत ज्यादा शाइनी है और बहुत ही नेचुरल सटल ग्लो है, बिल्कुल भी आपको फेक नहीं लग रहा है कि जो है आपने बहुत ज़्यादा यू नो कुछ शिमरी पार्टिकल्स लगाए हुए हैं, इट्स वेरी वेरी नेचुरल लुकिंग। मैं आपको दिखा दूँ अपने फिंगर पे, इस तरह का दिखता है ये, बहुत ही सटल गोल्डन सॉर्ट ऑफ हाईलाइट है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी ग्लिटर पार्टिकल्स नहीं है, बहुत ही नेचुरल दिखने वाला है। एंड आपको अब आई होप अब आपको दिख रहा होगा, बहुत ही सटल है, बहुत ही ज्यादा स्मूथ है और बिल्कुल भी आपको आर्टिफिशियल नहीं लगेगा, इट लुक्स लाइक अ नेचुरल ग्लो। यू कैन सी हेयर एंड हेयर एज वेल कि
कितना ज्यादा शाइनी है और नेचुरल ग्लो आ रहा है, आप देख सकते हो डिफरेंस. ओ माई गॉड, इट्स लुकिंग वेरी वेरी नेचुरल एंड ग्लोई. ऑन दी अदर हैंड मैं अगर आपको दिखाऊं हाइलाइटर मून शाइन में से, तो ये जो है थोड़ा सा शिमर पार्टिकल्स हैं इसमें. एंड मैं आपको इसको जो है स्वॉच करके दिखाती हूँ यहाँ पर. आप डेफिनेटली इसको देख सकते हो, ये थोड़ा वाइटिश आपको फील आएगा. ये थोड़ा वाइट है और इसमें जो है शिमर पार्टिकल्स हैं जो कि विजिबल होते हैं थोड़े बहुत, बट इससे थोड़ा सा डिफरेंट है ये डेफिनेटली. दिस वन इज वेरी वेरी नेचुरल लुकिंग. ये थोड़ा सा आपको जो है इसमें शिमरी पार्टिकल्स ज्यादा दिख रहे होंगे, विच इज आवर एक्चुअल कॉन्टोर प्रोडक्ट. नाउ दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक. अब ये शेड आप देखकर बता सकते हो, डेफिनेटली फॉर फेयर टू वीटर स्किन टोन, एंड दिस इज डेफिनेटली नॉट मेंट फॉर द डीपर स्किन टोन्स. एंड मैं आपको स्वॉच करके दिखाती हूँ. नाउ यू कैन सी दिस इज द शेड. बट ये मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, मैंने जितने भी कॉन्टोर जो पाउडर्स देखे हैं, एंड दिस वन इज वेरी वेरी गुड एंड आई थिंक मुझे बहुत अच्छा लगने वाला है, बिकॉज ये बिल्कुल भी ओवर पावरिंग नहीं लग रहा है, बहुत ही अच्छा है, स्मूथली ब्लेंड भी हो जाएगा मुझे लग रहा है जहां तक. तो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी गुड फॉर फेयर टू वीटर स्किन टोन. इसमें जो है मैंशनड है कि एज ऑफ फोरहेड, अंडर चीक बोन्स, ऑन जॉ लाइन, ऑन साइड्स ऑफ योर नोज, यहाँ पर आप ऑफकोर्स कॉन्टोर करते हो. मैं मेजरली जो कंटोर है अपने चीक बोन्स के अंडर करती हूँ, तो मैं उसको जो है फटाफट से करके देखती हूँ. आई एम टेकिंग दिस सॉर्ट ऑफ ब्रश एंड ओके, इट्स वेरी वेरी सटल दैट आई कैन सी, बहुत ही सटल है और बिल्कुल भी ओवर पावरिंग नहीं लग रहा, बहुत ही नेचुरल फिनिश दी है इसने. मैं और ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना चाहूँगी, पहले मैं दूसरी साइड भी लगाना चाहूँगी. You can see it is very very subtle and very very nice looking. And अगर आपकी skin tone मेरी जैसी है या आपकी थोड़ी सी dark है, मतलब wheatish skin tone भी है अगर आपकी, तो I think this will work very very good for you. Okay. So guys, I have contoured my nose as well and I feel this is looking very good and बिल्कुल भी dark नहीं लग रहा है and it is I think fine and I'm just liking it. और ये fingers से भी अच्छे से blend हो जा रहा है, so I'm really impressed with this finish and मुझे लगता है बहुत ही अच्छा product है. Highlighter का purpose देख लेते हैं, उस पर लिखा हुआ है middle of forehead, bridge of nose, under eyes, chin, cupid's bow, brow bones. Sort of brush. And taking this product. So let's see what it does. मुझे कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा है, थोड़ा सा यहाँ शाइनी जरूर हो गया है, इस आई पे आप देख सकते हो शाइनी नहीं है, यहाँ पर आप देखो आप शाइनी दिख सकता है, जो कि थोड़ा सा और एग्जैजरेट कर रहा है मेरे अंडर आई एरिया के, यहाँ पर जो यू नो जो थोड़ा सा डेप्थ है उसको और ज्यादा हाईलाइट कर रहा है. उसके अलावा मुझे कोई शिमरी पार्टिकल तो डेफिनेटली नहीं दिख रहा है. So I think under eye के लिए मुझे कुछ special नहीं लगा. इसको मैं एक normal highlighter की तरह इसको use करके देखती हूँ. Okay guys, you can see the glow. It is actually real glow and I'm really happy with this glow. You can see this shine. I'm really happy with this glow. OMG. I am impressed with this product. Guys, you can see बिल्कुल भी जो है फेक नहीं लग रहा है, बहुत ही नेचुरल ग्लो दिया है इसने मेरे नोज पे भी. I have applied it on both of my cheeks and you can see the glow is insanely natural looking and it doesn't look that I am wearing some you know fake highlight. It definitely does not have that chalk or white mask like effect. It looks very natural. अगर मैं आपको बताऊं कि इन पर्सन में अगर आप देखोगे सामने से, आपको बिल्कुल भी ग्लिटर पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे, जैसे मोस्टली जो हाइलाइटर्स जो है उनमें चौकी जैसा आपको लुक दे देता है, बट ये हाईली हाईली ब्लेंडेबल है, मुझे बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो गया ये.
बट डेफिनेटली ये अंडर आई एरिया में कुछ नहीं करता है, जिसे इस पर लिखा हुआ है, मेंशन है कि ये हाइलाइटिंग के लिए आप यूज कर सकते हो. नाउ आई हैव फाइनली रीच टू अ कंक्लूजन. तो अब मैं अगर पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूँ गाइज, पैकेजिंग वाइज विल गिव 5 out of 5. इट कम्स विद दिस सॉर्ट ऑफ मैग्नेटिक सॉर्ट ऑफ पैकेजिंग. एंड इफ यू आर ट्रैवलिंग, आपको जो है 2 separate प्रोडक्ट्स साथ में कैरी करने की जरूरत नहीं है. यू हैव योर हाईलाइटर एंड कॉन्टोर टुगेदर, एंड ये ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगा, ट्रैवल फ्रेंडली है. दूसरी बात मैं आपको बताऊँ तो ये जो शेड है बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है, बिल्कुल भी आपको चौक लाइक इफेक्ट नहीं देगा, नेचुरली ब्लेंड हो जाता है. आपको जो है बिल्कुल भी एफर्ट ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, और इसमें शिमरी पार्टिकल्स नहीं है जो कि शो अप करें, तो ये जो है आपकी स्किन के साथ जो है ब्लेंड बहुत ही ईजिली हो जाता है. वो ये पाउडरी फिनिश है बट इट फील्स लाइक दिस इज अ क्रीमी टेक्स्चर, बिकॉज इस ये जो ब्लेंड होता है ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं फील होता कि ये पाउडरी है. दूसरे शेड की अगर हम बात करें, दिस इज वेरी वेरी गुड शेड फॉर फेयर टू व्हीटिश स्किन टोन, बहुत ही नेचुरली ब्लेंड हो जाता है. आपको जो है एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, आपको ब्रश की जरूरत नहीं है, आप इसको जो है अपने नोज कॉन्टोर के लिए अपने फिंगर्स की मदद से ही आप अप्लाई कर सकते हो, सो दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग. और एक चीज और गाइज, इसमें स्मेल नहीं है, जो कि अगर कुछ लोगों को जो है स्मेल पसंद नहीं होती है, ओवर पावरिंग स्मेल वगैरह, तो ये फ्री है फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ स्मेल. एंड 9 grams प्रोडक्ट आई थिंक 699 rupees में मुझे शुरुआत में एक्सपेंसिव लग रहा था, बट जब मैंने इसको यूज़ किया, आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं, काफ़ी कम प्रोडक्ट की नीड होगी, तो आई थिंक अगर आप इसको एक बार परचेज करते हो तो आपको गुड 7 to 8 months ये आराम से चलेगा. एंड आई थिंक इफ़ यू यूज इट वेरी वेरी प्रिसाइजली, आपको उससे ज़्यादा भी आप इसको यूज़ कर सकते हो. एंड जहाँ तक कि नेगेटिव पॉइंट्स की मैं बात करूँ, तो मुझे नेगेटिव पॉइंट में यही लगा है कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही शेड में लॉन्च हुआ है. डीपर और डार्क स्किन टोन्स के लिए उन्होंने नहीं सोचा है अभी फिलहाल, बिकॉज ये जो कॉन्टोरिंग शेड है ये मुझे नहीं लगता ये डार्क स्किन टोन्स के लिए परफेक्ट है. आप लोग खुद जज कर सकते हो ऑफकोर्स, बट ये जो हाइलाइटर है ये हर स्किन टोन पे आई थिंक बहुत ही फ्लैटरिंग लगेगा, बिकॉज इट हैज़ येलो अंडर टोन्स टू इट, एंड आई थिंक दिस विल लुक फ्लैटरिंग ऑन ऑलमोस्ट ऑल स्किन टोन्स. और दूसरी चीज़ जो है, मैं आपको नेगेटिव पॉइंट की अगर बात करूँ, तो इसमें लिखा है हाइलाइटिंग के लिए इसमें मेंशन था कि आप इसको अंडर आई एरिया पे यूज़ कर सकते हो, बट इट डिडंट वर्क फॉर मी, बिकॉज ये जो है आपकी अगर जैसे मेरे यहाँ पर अंडर आई एरिया में जो है डार्कनेस नहीं है, लेकिन जो है थोड़ी डेप्थ है इस एरिया में, तो वो जो है इसने थोड़ा सा उसको हाईलाइट और कर दिया. आप देख सकते हो इस एरिया को, और इस एरिया भी ज़्यादा शाइनी नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दीज 2 points मुझे और कुछ नेगेटिव पॉइंट ऐसा नहीं लगा है, एंड आई हाईली रिकमेंड यू गाइज टू ट्राई दिस प्रोडक्ट. अगर आपको भी प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो नीचे आके कॉमेंट जरूर करिएगा, मुझे जानकर अच्छा लगेगा. मैं मिलती हूँ आप सबसे जल्द ही अपनी अगली वीडियो में, सो अंटिल नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज मी श्वेता साइनिंग ऑफ. बाय बाय.